और औरत एक दफा फिर तहजीब की खानदान की अलामत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपका मेजबान आसिम अमीन। और हम और किसी भी हम सीन में किसी रिलेशन में भी है तो उन्हें अपने मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। ठीक है जी। और जब भेजने वाले राजी है, भेज गया है वो। उधर हाई कोर्ट पड़ गया है सर, क्या होने जा रहा है ये पंजाब में? नहीं जी। नाजरीन मैं हूँ आपका मेजबान मलिक गजनफर अवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। टक्का ऑर्डिनेंस को कलम करार दे दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक गजनफर अवान अपने प्रोग्राम सदाए लाहौर के साथ। नाजरीन सियासत पे बात होती रहती है, हम करते रहते हैं और सियासत कभी ऊपर कभी नीचे, ये भी सियासत का हिस्सा है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो अदबी शख्सियात से। तो आज मैंने अपने प्रोग्राम में दावत दी है ज़फ़र सिमाब साहब, जो साया NGO है, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब का इदारा है, उनके ये रूए रवा हैं। और दूसरे मेरे साथ मोहतरमा फौजिया अमीर साहबा, CEO हैं महमूदा सलीम वेलफेयर ट्रस्ट की, ये भी अदबी शख्सियत हैं। तो आज आप इन पर बात करेंगे अदब के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, तदरीस के हवाले से, किताब से तलक ना रहने के हवाले से, कि एक दौर में किताब पढ़ना शौक़ होता था, आज जो है वो किताब पढ़ना शायद नफरत का एक इजहार किया जाता है। तो सबसे पहले ज़फ़र सिमाब साहब, सियासत भी आपके सामने, दुनिया की तेज़ी भी आपके सामने, लेकिन आप एक अदबी शख्सियत हैं, शायर हैं, तो कैसे देख रहे हैं आइंदा पाकिस्तान का फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर, नौजवान नस्ल का फ्यूचर? जी बहुत शुक्रिया गजनफर भाई, ये बड़ी खूबसूरत बात और जो टॉपिक है इंसान किताब से जी। हम क्योंकि वो जो टाटों के स्कूल होते थे गांव में, ठीक है, हमें प्राउड है, फ़ख्र है। असल में किताब से जो रब्त है, किताब से जो रिश्ता टूटा है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये जो मोबाइल है, ठीक है। किताब एक ऐसा साथी है, आज भी मैं अपनी नौजवान नस्ल को कहता हूँ कि किताबें, और एक बड़ी अजीब बात मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि अभी आप मार रोड पे जाएं तो किताबें आपकी फुटपाथ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के सामने पड़ी, बिल्कुल ठीक है। और ये देखें कि लम्हे फिक्रिया है, जिस कौम की किताबें रोड पे और जूते शोकेस पे, ठीक है, तो फिर ऐसी कौम को ऐसे ही हालात दरपेश होने चाहिए जो आजकल हमारे साथ है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं, आपने कहा कि मोबाइल जो है वो ये एक साजिश है, जी जी, तो इसको सियासत की आलमी साजिश के तर्ज पे लिया जाए? नहीं, ये गजन सर भाई, ये तो हमारा अपना है ना कि हम मोबाइल को कितना टाइम देते हैं, ठीक है, उसको कितना देते हैं। बेसिक असल जो है वो हमने अपने बच्चों को ट्रीट करना है, उनको बताना है कि हम अपने मोबाइल से हट के किताब को कितना टाइम दे सकते हैं, ठीक है। और किताब की तरफ लाने के लिए बाकायदा मैं तो चाहता हूँ कि एक बाकायदा कैंपेन करने की जरूरत है, ठीक है जी। फौजिया मीर साहब, आप CEO हैं महमूदा वेलफेयर ट्रस्ट की, वेलफेयर फाउंडेशन, तो क्या तजर्बा है आपका एज अ एजुकेशनिस्ट, अदबी शख्सियत? मैं सिमाब भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नो डाउट के बच्चे जो हैं इस वक्त वो किताब को पकड़ना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, रियली वो किताब पकड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो चीज़ हमारे ये मीडिया ने जितनी माशाल्लाह फ़ोन के अकॉर्डिंगली, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो बुक नहीं देखना चाहते, ठीक है। वो सभी को जो तमाम चीज़ें उन्हें फ़ोन में अवेलेबल हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो उसे खोलें, उसके लिए हम लोगों ने जी जी नहीं, बच्चे की इस अज़म तवज्जोई की वजह आप क्या माँ को नहीं देखते? माँ भी तो सारा दिन मोबाइल ही देखती है। तो मैं वही तो बता रही हूँ, नहीं जी ये सिर्फ बच्चों की हद तक नहीं, तो आप एक रूम में बैठे हुए चार लोग हैं ना, अगर माँ बाप दो बच्चे, तो वो चारों अपनी अपनी जगह पर इस सुकून में बैठे हुए हैं कि कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, वो एक दूसरे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा अलमिया है कि हम एक ऐसी जनरेशन जनरेट कर रहे हैं कि जो आने वाले टाइम में हमें एक दूसरे को भी नहीं जानती होगी कि कौन क्या है, ठीक है। लाइक बात होती है तो वो कहते हैं कि दो चार मिनट के लिए अगर नेट ऑफ हो गया है और आपस में बैठने का इत्तेफाक हो जाए, तो वो साथ ही ये कह देते हैं कि हाँ जी एहसास हुआ कि हमारे आपस में जो है हमारे को तो लग है आपस में ताल्लुक भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा तो जी इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें एजुकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत काम किया है और कर भी रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, अपना ज़फ़र सिमाब साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब एक इदारा चलाने जा रही हैं सियासत के बाद, शेड उनका नाम है कि साया के नाम से वो करने जा रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या उनके आम पे एम तय की है उसके? गजनफर भाई वो
पिछले तकरीबन मेरे ख्याल 94 से वो एक्सरसाइज में थी। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनकी जो आपको पता है जो सियासी मसरूफियात हैं, ठीक है, सियासी मसरूफियत की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रही थी। ठीक है। और इस वक्त उन्होंने बकायदा फोकस किया है कि ये जो शेयर ट्रस्ट है और फिर हमारी जिम्मेदारी लगाई है, फिर मैडम है साथ, इसमें मल्टी सेक्टर्स में शेयर को हम लेके इंशाल्लाह जा रहे हैं। इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, उसके बाद इंसाफ है, और फिर इंशाल्लाह मीडिया को बतौर टूल, तो मीडिया एक ऐसा मीडियम है जिससे हम जितने भी ये मसाइल हैं उनको बड़े खूबसूरत अंदाज से हल कर सकते हैं। और जो आपका प्लेटफॉर्म माशाल्लाह WTO टीवी ऑर्गेनाइजेशन जो है आजकल, क्योंकि डिजिटल मीडिया का दौर है और ये जो सोशल मीडिया है, ठीक है, ये इतना खूबसूरत हथियार है यूथ को साथ मिला के मल्टी सेक्टर्स में हम परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी नौजवान नस्ल से। ठीक है। अच्छा मैडम जी, आप बताइएगा आखिर में कि क्या इरादा है शेड का गरीबों के साथ, बच्चों के साथ, यतीमों के साथ, क्या करने जा रहे हैं? अभी ये तमाम सेक्टर में इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह शेड के जेरे साया, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल एम्पावरमेंट है, जिसकी अभी रिसेंटली फिरदौस आपा के साथ मीटिंग हुई हमारी, तो उसके अंदर हम लोगों ने बाकायदा टीम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर दी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ईद के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर वे में आपके ज़रिए जो है वो इसको इंशाल्लाह। ज़फ़र साहब, मैं एक सख्त सवाल करूँगा कि NGOs जो बनाई जाती हैं वो हमेशा फ़ंड रेजिंग के लिए बनाई जाती हैं। वो मैं एक पंजाबी की मिसाल दूँगा आपको, कहते हैं कि गरीबों का नारा लगा लेते लगाते बनाने वाले खुद अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब का गरीब। ये कल को चंदे इकट्ठे करके ट्रस्ट बना के वही तो नहीं सीन बनेगा? जनफर भाई, बड़ी खूबसूरत बात, और इस वक्त ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली देखी भी जा सकती है। मैं बिल्कुल कोई किसी पे तनकीद भी नहीं करूँगा, लेकिन अल्लाह के करम से हम जिस शख्सियत के साथ काम कर रहे हैं, बेसिक तो होती है ना, भूख या तलब होती है, या शोहरत की होती है, या पैसे की होती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बहन है डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा, वो एक खुद एक बड़े अमान फैमिली से, कूबे चक में माशाल्लाह एक लैंडलॉर्ड फैमिली से, और उसके बाद पॉलिटिकली उनकी अपनी एक वर्थ है, और फिर UNO से बाकायदा रिजाइन करवा के एक वक्त के जो प्रेसिडेंट उस वक्त थे वो, उन्होंने कहा कि आप इतनी जीनियस हैं और इतना अच्छा कर सकती हैं तो कौम के लिए करें। तो आप भी ने बेसिक तो जो चैरिटी होती है वो घर से हो तो फिर है, ये नहीं है चंदे से चैरिटी होती ही नहीं है, चैरिटी होती है विजन से, अपने आपके पास जो वसाइल हैं, साथ दोस्त जुड़े तो वो अलग बात है, चंदे से चैरिटी नहीं होती। ठीक है। मैडम आखिर में खवातीन को हमेशा इन कामों के लिए इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो जैसे आप कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़ें होती हैं, तो ऐसी कई जगहों पर होती हैं। अब उसमें सभी लोगों को एक ही जगह पर तो नहीं, हम एक चार्ज में नहीं डाल सकते हैं कि वो सारे एक जैसे हैं। माशाल्लाह वो काम करने वाली खातून हैं, और उन्होंने जिस तरह से खवातीन को ये शेल्टर वो फ्राम कर रही हैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स एन एक्सीलेंट। हम तो उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुनी मेरी दोनों मेहमानों की गुफ्तगू। मोहतरमा फौजिया मीर साहबा और ज़फ़र सिमाब साहबा का कहना है कि डॉक्टर फिरदौस आशिकवान खुद एक मंझी हुई सियासतदान और मंझे हुए घराने से हैं। उनके साथ काम करना साया इदारा के ज़ेरे तमाम ज़ेरे साया यतीमों, बच्चों, औरतों, बेवाओं को इंशाल्लाह पनाहगाह, सरकारी पनाहगाह नहीं, रियल पनाहगाह जो है वो उनको फराहम की जाएगी, उनकी हेल्प की जाएगी। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। प्रोग्राम में इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।